Hey guys, welcome back to the new vlog. और आज हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ट्रेड और हमारे साथ हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स हैं और हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ट्रेड और वहाँ पर कॉन्सर्ट भी आज हो रहा है, तो कॉन्सर्ट भी देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और बहुत प्यारा सा सनसेट होने वाला है, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और बहुत टाइम हो गया है कि हम लोग पोर्ट ट्रेड नहीं गए, तो आज हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। पीछे जो है ना वो सीट के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं पोर्ट ट्रेड और यहाँ पर अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं हुआ, हमने पासेस यहाँ से ले लिए हैं, बस अब एंटर हो रहे हैं। 500 रुपीज़ पर हेड एंट्री है और वैसे नॉर्मल डे से कितनी होती है, नॉर्मल 400 होती है, आज थोड़ी सी ज़्यादा है कॉन्सर्ट की वजह से, तो बस अभी एंटर हो रहे हैं अंदर। आरिस तुम बैठ जाओ इसमें, पिछली दफा सारे मिले के आए। अगर आप लोग भी गाना गाना चाहते हैं या गाना गाने का शौक रखते हैं तो आप हमारे स्टेज पर आकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। क्या पता आप में से कोई कुमार सिंह, जगजीत सिंह या अजीत सिंह निकल आए, आतिफ असलम भी हो सकता है। ये आतिफ असलम हमारे साथ है, ये गाएंगे आतिफ असलम, ये चीयर्स फॉर आतिफ असलम। लगता है आतिफ असलम का सिर बाद ऐसे हो जाएंगे, आतिफ असलम कुछ साल बाद ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पर आराम से बैठकर सनसेट जो है वो एंजॉय करें। बर्ड्स कितनी प्यारी लग रही है ना सारी उड़ती हुई साथ साथ, का से मालगाड़ी भी जा रही है। हम लोग शाम में आए थे और अब देखें सनसेट हो चुका है, रात ऐसी हो गई और लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर और लाइट्स भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी हम लोग ऊपर जाएँगे तो ऊपर से और खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ का। ये कॉफीज बन रही हैं, आपके सामने हमारी प्लेन कॉफी बन रही है, अभी टीएमसी कॉफी। ये सारे सैंड में बनाते हैं कॉफीज, सारी सैंड में बन रही हैं, टर्की स्टाइल है, टर्की में इस तरह ब्लैक कॉफीज बन रही होती है, कैफे चीफ कॉफी भी चल रही है। ट्राई करो फिर बताओ कैसी है। इनकी अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। और कैसा हॉट चॉकलेट? हॉट चॉकलेट भी अच्छा है। ऑर्डर करनी है? हाँ। आप ये ट्राई करें, कॉफ़ी अच्छी है ना, क्रीम कॉफ़ी। उषा क्या ऑर्डर किया तुमने? फ्रोज़न हॉट चॉकलेट। फ्रोज़न हॉट चॉकलेट हमने, हॉट चॉकलेट जो है वो ऑर्डर की है, तो वो अभी आ रही है, यहाँ बैठ के कॉफ़ी का ये फ्रोज़न हॉट चॉकलेट, फ्रोज़न हॉट चॉकलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत लगी है, देखने में ट्राई करो। रशिया कैसी है?
देखिए हमारा आइडिया है चॉकलेट वॉफल्स डेयरी मिल्क, और ये देखने में बहुत हसीन लग रहा है। अभी ट्राई करवाते हैं कैसा है। मेरा नहीं है। अरे हम ट्राई करो। अच्छा है, अच्छा है। आप ये ट्राई करें और उसके बाद ये गरम और ठंडा यम्मी मजा आ जाए। तो क्या कहते हैं, आइस स्मोक है ये। पूरा मुंह में रखना है। उन्होंने कुछ डाला इसके अंदर और अब ये स्मोक ने कितना वियर्ड लग रहा है। अरहम को ये बहुत ठंडी है। इसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन है ना। आज सब एक एक ट्राई कर रहे हैं। अंदर पूरा सारे पूरा। तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मजा आ रहा था स्मोक की वजह से। अभी तक जबान पे अजीब सा, जबान पे टिंगलिंग हो रही है और टेस्ट तो वही था, वो नॉर्मल स्नैक्स थे, लेकिन उसमें ये क्या स्मोक था, उन्होंने नाइट्रोजन डाला था जिसकी वजह से स्मोक हो रहा था। और यहाँ पे ये मिनी का डांस चल रहा है। ये पहली दफा मिनी को देखा है कथक करते हुए। मिनी कथक कर रही है, क्लासिकल डांस। गोल्डन मैन मिले हम, ये सोने का आदमी। उनसे मिलो, इससे तो मिलते रहते हो। रेस्टोरेंट में तो यहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे, और यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, इतना प्यारा पानी का व्यू आ रहा है। और पानी में जो ये लाइट्स के शेड्स आ रहे हैं कितने हसीन लग रहे हैं। ऐसे ऊपर का व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है। हमारा व्यू तो है ही अच्छा। तो बस अभी हम लोग डिनर ऑर्डर करते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे क्या हो रही है एक्टिविटीज। इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं म्यूजिक, सारे मेरी पसंद के गाने। इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है।
ये लोग आइसक्रीम लेने लग गए। आइसक्रीम ले रहे हैं? नहीं, ये स्टेयर्स कितनी खतरनाक बनाई है यहाँ से रेस्टोरेंट में जाने के लिए। इतना घूम घूम के जाओ और घूम घूम के ऊपर से नीचे गिर जाओ। कोई मोटा बंदा हो तो वो तो फंस जाएगा, जा भी नहीं सकेगा यहाँ से ना। नीचे बैठ जाए ना। हाँ ये सही है, जो नहीं जा सकते ऊपर वो नीचे बैठ जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। टर्किश फेमस आइसक्रीम, यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पे आर्य जो है वो आइसक्रीम ट्राई करने वाला है, टर्किश आइसक्रीम। कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर और हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट की तरफ। और हम लोग आइसक्रीम वगैरह खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं और बस अब जा रहे हैं हम लोग कॉन्सर्ट देखने। और खाने की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हम भूल गए। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। बावली सांवरे बावरे केसरिया कुत्तों की भी पाकिस्तानी बीवियों की एक आदत समझ में नहीं आती। क्या एक आदत है? दोपहर को पड़ोसन से शौहर की बुराइयां करती है और रात को शौहर से पड़ोसन की बुराइयां करती है। होता है, बंदा कितना भी पढ़ा लिखा, बंदा कितना भी पढ़ा लिखा दानिश्वर बन जाए, जब बीवी कहते ना आप नहीं समझ सकते तो बस बात खत्म। और मैं तो शौहरों की भी बुराइयां करते हैं। शौहर हमारे बाहर हजरत पाकिस्तानी मर्दों की, पाकिस्तानी मर्दों की क्या बात है, क्या बात है? जब अकेले घर से बाहर निकलते हैं औरतों को घूर रहे होते हैं और जब बीवी के साथ घर से बाहर निकलते हैं मर्दों को घूर रहे होते हैं। और हमारे पाकिस्तानी मर्दों ने कभी भी कोई हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा तस्वीर मांगा सेल नंबर मांगा। और मैंने देखा ये बीवियां करती हैं शौहरों को ना शादी के बाद दबा के खिलाएंगी, इतना मोटा कर देंगी, छोटे वॉशरूम में नहीं ना सकता, आधे तो भारी नजर आ रहे होते हैं। और ये सारे शौहर मोटे मिलके बेचारे अपनी तंजीम बना रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी चर्बी जान मुझके खिलाती है ताकि ये मोटे हो जाए, मैं छोड़ के भाग ना सके। मैं तो शौहरों से कहता हूँ देखिए मैं तो अभी हम लोगों की मुलाकात हुई है बरकत मम्मी से और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत हम्बल पर्सन है और बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेज भी दी है हमारे चैनल के लिए। तो आप लोग भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और वीडियो को एंड तक देखा करें, हमारी सारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें। तो बस अभी वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर आई हूँ वॉक करने।
होना चाहिए कि आप नंगे पाँव चले सर हम लोगों को देख रहे हैं और हम लोग नंगे पाँव मजे से बहुत थक गए चल चल के। बस यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, दिन बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बस अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।